ये हमारे मम्मी पापा ने हमें लाके कहाँ एडमिशन करवा दिया? हमें तो लगता है स्कूल ही शमशान घाट लगता है, शमशान घाट। वही तो, पढ़ाई वढ़ाई तो होती नहीं है, रोज कुछ ना कुछ नया तमाशा होता रहता है। पता नहीं आज क्या तमाशा होगा। ओए आयशा, तू क्या लेकर आई है? कुछ भी नहीं लेके आई हूँ मैं। क्या, कुछ भी लेकर नहीं आई है? नहीं। अच्छा क्या, और रोमा तू क्या लेकर आई है? मैं भी कुछ भी लेकर नहीं आई हूँ। अच्छा क्या, तूने भी? मैं भी कल से कुछ भी लेकर नहीं आऊंगी, आज तो बस एक डायरी लेकर आई हूँ। क्या करें, हम गरीब हैं, वरना हमारे मम्मी पापा तो हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। अभी हमारे मम्मी पापा के पास इतना पैसा भी तो नहीं है ना जो हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। मेरा भी वही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, आज मेरे पास तुम सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी? रोमा तूने सुना सर खुशखबरी की बात करे? सर जब भी खुशखबरी की बात करते हैं तब हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता ही है। अब पता नहीं क्या बुरा होगा, क्या करें हम? चल भाग जाते हैं। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अगर हम भाग गए तो सर हमें फेल करवा देंगे, पिछली बार कैसा किया था याद है ना? सर क्या खुशखबरी? सर आपके हमें वाटर पार्क घुमाए लेके जाएंगे। तुम लोग स्कूल का फीस तो टाइम से नहीं भरते हो और वाटर पार्क ले जाने की बात कर रहे हो। कोई वाटर पार्क नहीं लेके जा रहा हूँ मैं, बल्कि आज तुम सभी से मिलने के लिए एक खास इंसान आ रहे। कौन सर? इंजेक्शन वाले डॉक्टर आ रहे तुम्हें वैक्सीन लगाने के लिए। क्या वैक्सीन? सर हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, हमने कोरोना वायरस का वैक्सीन कब का ही लगा लिया है। मैंने 3 लगाए, 3। मैंने 2। और तूने? 1। और मैंने तो 4 लगाए हैं, 4, इसीलिए तो इतनी हट्टी गट्टी हो। सर हम नहीं लगाएंगे कोरोना वायरस का वैक्सीन, हमने पहले लगा लिया है। अरे ये कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं है, ये वैक्सीन लगाने से तुम्हारे दिमाग में जो गोबर है ना, गोबर, वो चलने लगेगा एकदम तेज। वैसे भी तुम्हारे दिमाग में गोबर है ना, वो गोबर एकदम तुम्हारा ठीक हो जाएगा और तुम्हारा दिमाग एकदम तेज चलेगा, टॉप करोगे, कोई IAS ऑफिसर बनेगा, कोई ये बनेगा वो बनेगा। सर आप झूठ बोल रहे हो ना, आपको किसने रिश्वत दी है ना हमें इंजेक्शन लगाने के लिए? हम क्या कठपुतली है जो आप हमें कठपुतली की तरह नचाते रहते हो, कभी रास्ते में भीख मांगने के लिए बिठा देते हो, कभी कहते हो कि इंजेक्शन लगा रहो, अब कल क्या कहोगे कि अपने कितने निकाल के दे दो? चुप कर बदतमीज, कुछ भी बोले जा रही है, टीचर से बात करने की तमीज नहीं है क्या? ऐसे बात करते टीचर से? सुनो मेरी बात, अगर तुम लोग वैक्सीन नहीं लगवाओगे ना तो मैं तुम सभी को एग्जाम में फेल कर दूंगा। क्या सर आप हमें फेल करवा दोगे? 0000 अंडा दूंगा और फिर तुम्हें स्कूल से टर्मिनेट भी कर दूंगा, फिर देखता हूँ तुम्हें कहाँ एडमिशन मिलता है। गरीब स्टूडेंट कहीं के, फ्री में स्कूल में पढ़ने का मौका मिल रहा है, फिर भी इतना एटीट्यूड, ये एटीट्यूड ना अपने जेब में रखो। नहीं सर हमें फेल मत करवाइए प्लीज। चुपचाप वैक्सीन लगा लेना, समझे? ठीक है सर। मैं अभी बुला कर लेकर आता हूँ, डॉक्टर आकर बाहर बैठी हुई है, मैं अभी लेकर आता हूँ। रोमा ये सर क्या बोल के गए, डॉक्टर बाहर बैठी है? हमारा स्कूल तो खुला में जाना है, अंदर और बाहर का तो वैल्यू नहीं है, तो डॉक्टर कैसे बाहर बैठी होगी? मुझे पता नहीं सर, क्रैक है क्रैक, जो भी बोलते रहता है। खुद तो क्रैक है, हमारे भी साथ में क्रैक बनाएगा। पता नहीं अब कौन सी डॉक्टर आएगी, कहीं पागल हुई तो? अरे सुब सुब बोल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब क्या करेंगे। नमस्ते बच्चों। नमस्ते। मेरा नाम है शांता भाई, मतलब डॉक्टर शांता। सबको लगाती हूँ इंजेक्शन और करती हूँ अपना नाम रोशन। कैसा लगा मेरा डायलॉग? घटिया। किसने कहा घटिया? किसने कहा? जिसने भी कहा बिल्कुल सही कहा, सब यही कहते हैं कि मैं बहुत गंदा शायरी मारती हूँ। और वैसे भी मैं यहाँ तुम लोग को वैक्सीन लगाने आई हूँ, मैं बैठ जाऊँ? ना छोटा चेयर, उफ ना एसी है ना पंखा, उफ ऐसा बिकारी स्कूल है, ओ माय गॉड। पहले थोड़ा टचअप कर लेती हूँ, सुंदर तो दिख रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल डॉक्टर लग रही हूँ डॉक्टर। क्या मिसिंग है? हाँ चश्मा, हाँ चश्मा लगा लेती हूँ। ओ रोमा सुन तो, या मुझे लगता है कि ये भी क्रैक है। डॉक्टर शांता
वैसे हमारे टीचर कहाँ गए, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। और तुम्हारे टीचर वो ना पॉटी करने के लिए चले गए, उन्हें बहुत जोर से पॉटी लग रही थी, रास्ते पे बैठ गया था बेशर्मों की तरह। फिर मैंने उसे घर जाने के लिए कहा, मैनरलेस। चलो बच्चों, अब मैं तुम सबको इंजेक्शन लगाऊंगी, एक एक करके सब आगे आओ, ठीक है? और किसी को बुलाना ना पड़े, और रोना मत, हाँ बहुत दर्द होता है, अगर रोगे तो दो और इंजेक्शन लगा दूंगी, ठीक है? इसलिए मत रोना। शांता शांता भाई। उड़ी बाबा, इतना बड़ा इंजेक्शन! रोमा, मुझे तो इंजेक्शन देखकर ही डर लग रहा है, इतना बड़ा इंजेक्शन है, अब पता नहीं इसके अंदर क्या डालेगी, कहीं जहर वहर डाल दिया तो हम तो बिना टिकट के ही ऊपर पहुंच जाएंगे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है दिव्या, अभी मैं भाग जाऊंगी। कैसे भागेगी, ये तुझे कच्चा दबा जाएगी। मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया? डॉक्टर शांता। तुमने मुझे डॉक्टर शांता कहा? बताओ बताओ क्या बात है? मुझे लगी है। क्या लगी है? ये तो एल है। ओ, कॉल करना है किसको? बॉयफ्रेंड को कॉल करना है। नहीं, मुझे बहुत जोर से लगी है। अरे क्या लगी है? सूसू लगी है। क्या सूसू? तो इधर ही कर दे। आपको तो शर्म नहीं है क्या? अरे इसमें क्या शर्म सी बात, ये तो नेचुरल है, कर दे कोई गम नहीं, यहाँ से देखूंगी, कर कर। नहीं नहीं, मुझे जाने दीजिए ना मैम, अभी दो मिनट में आ जाऊंगी मैं। इंजेक्शन कौन लगाएगा फिर? मैं भी दो मिनट में आ जाऊंगी। दो मिनट में आएगी तो? हाँ हाँ। अगर दो मिनट में नहीं आई तो मैं तुझे तीन इंजेक्शन लगा दूंगी, तीन, ठीक है? हाँ, जल्दी जा। हाँ, ठीक है। दो मिनट में जा जा। बाल बाल बच गई मैं ये पागल डॉक्टर से, नहीं तो मुझे भी इंजेक्शन लगा रही थी, इंजेक्शन यही मौका है, और मैं इधर से घर चली जाती हूँ। अरे वो गोरी लड़की अभी तक नहीं आई, कहाँ चली गई? वो सुसु करने गई है या पॉटी करने गई है? मैम, उसने आपको पागल बना दिया, वो कोई सुसु टॉयलेट करने नहीं गई है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलने गई। मिलने? क्या मिलने? हाँ, मुझे लग तो वैसे ही रहा था, उसने ऐसा किया ना, ये तो कॉल का साइन होता है। हे भगवान, आजकल के बच्चे भी ना 12-13 साल के नहीं है कि उन्हें बॉयफ्रेंड चाहिए। मैम आपका भी है क्या? क्या कहा? मेरा मतलब आसमान में तारे कितने होते हैं? मुझे क्या पता, अनगिनत होते हैं ना। हाँ मैम, मुझे पता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहाँ मिलने गई है। कहाँ मिलने गई है? मैं जाकर लेकर आऊँ क्या उसे? हाँ हाँ जा जा। हाँ। रुक रुक रुक, मैं भी तेरे साथ जाती हूँ, कहीं तू भी उसकी तरह भाग गई तो। नहीं मैम, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। कोई दरकार नहीं है, मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। अरे मैम आपकी कसम लेकर आऊंगी। मेरी कसम झूठी खाती है? हाँ नहीं नहीं मैम, सच में लेकर आऊंगी। इंजेक्शन लगाओ। नहीं नहीं नहीं, तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगी, चल। और बच्चों तुम लोग यही रहना, ठीक है? मैं यूं गई और यूं आई, ओके? मेरा नाम है शांता डॉक्टर। चल होशियारी नहीं, चल। कहाँ है वो, दिखाई क्यों नहीं दे रही है? मैम वो रोज यही तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करती है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो इधर बात करती है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है? रुकिए मैं ढूंढती हूँ ना, कहीं तुम मुझे उल्लू तो नहीं बना रही है? नहीं 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 बना रही हूँ, आप देखिए ना, देखिए देखिए। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, रोमा मिलने रही है। एक काम करती हूँ, मैं इस डॉक्टर को उधर देखने के लिए बोलती हूँ, फिर मैं इस लेटरिन के अंदर छुप जाती हूँ। हाँ ये करूँगी, और थोड़ा सा। कहाँ है वो, दिखाई क्यों नहीं दे रही है? आप उधर ढूंढिए ना थोड़ा सा।
हाँ ठीक है। हाँ मैं इधर ढूंढी हूँ। चली गई, अब लेटरिन के अंदर जाके छुप जाती हूँ। हाँ अरे यहाँ तो कोई नहीं है। अरे वो लड़की कहाँ चली गई? भाई उसने भी मुझे उल्लू तो नहीं बना दिया। भाग कर कहाँ जाएगी? यही कहीं होगी। यहाँ छुपी है। हाँ यहाँ छुपी है, निकल बाहर निकल। नहीं नहीं डॉक्टर मैडम, ये आप क्या बोल रहे हो? मैं यहाँ छिप नहीं रही थी, मैं तो यहाँ हग रही थी। देखिए मैंने कितना सारा हगा। छी, इंसान तो बैठ कर हगते, तुम ऐसे करके क्या कर रही थी? हाँ मैं वेस्टर्न स्टाइल में हग रही थी, वेस्टर्न स्टाइल में। पर लेटरिन तो इंडियन है ना। रुकिए मैं अभी अमेरिका जाती हूँ। क्यों? अरे अमेरिका वाला टॉयलेट लाने के लिए। ये भगवान मैं किसके साथ फंस गई? तुम बाहर निकलो। आइए ना मिलकर ढूंढते। क्या? अरे लड़की को। हाँ तो बाहर निकलो, लेटरिन के अंदर क्या ढूंढोगी? निकलो। बिजली लगाएंगे ना? नहीं नहीं आओ आओ, तुमको बहुत प्यार से लगाऊंगी। चलो कहाँ चलेगी? हे भगवान कैसे इससे पीछा छुड़वाऊ? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये इतना बड़ा इंजेक्शन मुझे लगा दे कि क्या करूं। एक काम करती हूँ, इसको उस गड्ढे में गिरा देती हूँ। हाँ यही करूंगी। मैम देखिए वो देखिए। कहाँ? वो देखिए मुझे दिख गया। देखिए कहाँ? गड्ढे के सामने जाके देखिए ना। देखिए कहाँ है? चलिए मैम और आगे और आगे, थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और। गिर जा बुढ़िया, गिर जा तू, गिर जा गड्ढे में, गिर जा। वो मुझे गिराना चाह रही है। हाँ वो मुझे गिराना चाह रही है। छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया? तेरी इतनी हिम्मत? हाँ तू चालाकी से मुझे गड्ढे पर गिराना चाहती है, तुझे अभी बताती हूँ। क्या ढूंढ रही हो? तेरा पिछवाड़ा इंजेक्शन लगाने के लिए। अभी मजा आया ना भीड़ू? मेरे साथ पंगा ले रही थी, मुझे उल्लू बना रही थी। हाँ ये तो चली गई, अब वो तो बच्चे का क्या करूँ मैं? छोटे छोटे हैं, उन्हें इंजेक्शन भी नहीं लगा सकती, क्या करूँ? एक काम करती हूँ, उन्हें किडनैप कर बेच दूंगी 100-100 रुपए में, फिर मेरे पास 200 रुपए आ जाएंगे, उससे फिर नए इंजेक्शन खरीद लूंगी। हाँ यही करती हूँ। बेटा दूध चावल खाओगे? मामा घर जाओगे? नहीं। कितने खड़ूस बच्चे। बेटा वहाँ ना बहुत बड़ा मेला लगा है, जाओगे? नहीं 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 जाओगे। तो फिर आइसक्रीम खाओगे? हाँ। तू खाएगा? नहीं। तो फिर चॉकलेट खाएगा? नहीं। तो फिर चिप्स खाना ठीक है? हाँ हाँ हाँ। तू चिप्स खाना और तू आइसक्रीम खाना ठीक है? हाँ चलो मेरे साथ। काम बन गया, चलो 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 उठो उठो उठो। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ हाँ जय श्री राम, जय श्री राम।